मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देशों पर इंदौर पुलिस द्वारा भूमाफियाओं पर लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी अभियान के तहत पुलिस द्वारा आपराधिक तत्वों को भी धर दबोचा जा रहा है, जिसमें पुलिस ने आज दो अपराधियों को गिरफ्त में लिया। इनसे पूछताछ जारी है। पुलिस के द्वारा भूमाफियाओं पर जो अभियान चलाया जा रहा है, उसके तहत आजाद नगर थाना में धोखाधड़ी का अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जिसका आरोपी धर्मेंद्र साहू को पुलिस ने धर दबोचा है। क्राइम एएसपी अमरेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी पुराना अपराधी है, उस पर कई तरह के प्रकरण दर्ज है, फिलहाल उससे पूछताछ जारी है। वही एसपी ने बताया कि इस अभियान के तहत इसे शहर के अपराधियों को चिन्हित किया गया है, जो धोखाधड़ी वसूली गुंडागर्दी करते हैं, जिसमें भवरकुआं थाना क्षेत्र के मोंटी और संदीप को पुलिस ने धर दबोचा है। पुलिस ने बताया कि अपराधियों और अपराध पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से उनकी कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। इंदौर पुलिस के द्वारा जो अभी भूमाफियाओं के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, इसमें एक थाना आजाद नगर के अंतर्गत धोखाधड़ी का एक अपराध पंजीबद्ध किया गया था और उसमें धर्मेंद्र साहू नाम का क्रिमिनल उसमें फरार था। इसमें उस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और इसके ऊपर भी NSA की कार्रवाई की गई है। अभी जो एक मामला 420 सरफरा 671 का है, इसमें कायमी हुई थी और इसका शायद में पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है और इसी आपराधिक रिकॉर्ड और शिकायत के आधार पर कार्रवाई की गई है। इस अभियान के तहत इंदौर पुलिस के द्वारा ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है जिनके बड़े क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं। इसके अलावा सक्रिय है और लगातार लोगों को धमकाते हैं या अवैध वसूली करते हैं या अड़ीबाजी करते हैं। इसी लिस्टिंग में एक आरोपी जो मोंटी उर्फ संदीप है, ये मूल रूप से ये भवरकुआ क्षेत्र का रहने वाला है, इसको भी अवैध वसूली और इसके शिकायत के चलते NSA के तहत इसको गिरफ्तार किया गया है और भोपाल जो सेंट्रल जेल है वहां पे इसको निरुद्ध कराया गया है।